वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चंगे बिल्कुल। जो लोग देर में आए हैं वो लोग कई घंटे देर में आए हैं, है ना? आप लोग जो लोग भी पहली बार आए हैं, अभी तक हमारी शायद छः सात घंटे की क्लास हो गई, तीन क्लासेस हो गई ना, दो दो घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे की हो गई ना हम लोग की, सात घंटे करीब, छः से सात घंटे आप लोग लेट आए हैं। पीछे की बहुत सी चीज़ें पकड़ना जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान इसलिए है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है एक, राइट, योगिक समाज के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, आप उससे जो है वो अपना गुजरा हुआ जो समय है आपका छः सात घंटे का आप उसमें से देख सकते हैं। लेकिन उसको देखना आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे से अगर हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आगे भी हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, परेशानी होगी थोड़ी सी, राइट। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस तरीके की कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा ये खोला करो यार, आप उधर से, हाँ ठीक है, उधर खुला हुआ खोल दो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए थोड़ा। राइट, इस वक्त हम लोग जो हैं वो 12:40 तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं साथ में, राइट। एक पीरियड के बाद हम लोग 5 मिनट के लिए पानी पीने के लिए जाएंगे, बॉडी को सीधा करने के लिए जाएंगे, एंड देन अगेन वी विल कम बैक एंड वी विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना? ओके, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर प्योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, व्हाट वी से, राइट। अभी तक हम लोग जो हैं वो फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, एनाटॉमी होती क्या है, फिजियोलॉजी होती क्या है, कितनी पुरानी है, और मीन्स दूसरी और लाइफ की चीज़ें हम लोग जो हैं वो बात कर रहे थे। आज भी हम लोग बहुत सी बातें पीछे के तर्ज पे, पीछे के पैटर्न पे ही हम लोग करेंगे, लेकिन अब हम लोग जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कोई सिस्टम नहीं शुरू किया था, बल्कि हम लोगों ने लास्ट जो पॉइंट हमारा था वो था कि हमारे कितने प्रकार के सिस्टम्स हैं, राइट। तो आमतौर से किताबों के अंदर आपको, आमतौर से किताबों के अंदर जो है वो 8-9 सिस्टम्स मिल जाते हैं, लेकिन कल हम लोगों ने देखे थे शायद 11-12 सिस्टम्स थे, है नहीं, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के रिलेशन में जो है वो यस्टरडे वी डिस्कस्ड 6 प्राइमरी सिस्टम्स, राइट। प्राइमरी सिस्टम्स एंड सेकेंडरी सिस्टम्स का भाव समझ गए ना आप लोग, है नहीं? कोई प्राइमरी सिस्टम नहीं होता है, कोई सेकेंडरी सिस्टम नहीं होता है नहीं? पूरी बॉडी क्या है हमारी? एक वन होल यूनिट है, राइट। एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से, एक टिश्यू का दूसरे टिश्यू से, एक सेल का दूसरे सेल से जो है वो बहुत गहरा संबंध है। उसका हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि अगर फुटबॉल खेलते पे हमारे पैर के अंगूठे में चोट लग जाए तो हमसे जो है वो पढ़ाई नहीं होती, जबकि अंगूठे से दुनिया में कोई भी इंसान नहीं पढ़ता, ठीक है नहीं? लेकिन उसके बावजूद हमसे नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि एक होल यूनिट है, अगर एक चीज़ ख़राब हो रही है तो दूसरी चीज़ उससे जो है वो अफेक्टेड होगी, उसके असर में फिर उसका भी फंक्शनिंग जो है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी, राइट। तो इसलिए पूरी बॉडी एक होल यूनिट है, हम सारे सिस्टम्स को अलग अलग करके पढ़ते हैं बस, ताकि हमको वो सिस्टम एक अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बाकी और सिस्टम इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं एक एक करके, एक एक करके पढ़ेंगे ना, तो एक एक करके क्यों पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि हमें समझ में आ जाए। हमारी जो इसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं ना, जिसको हम अकल कहते हैं, हमारी अकल की एक बहुत ही खूबसूरत कमी है, खूबसूरत कमी, बहुत ही खूबसूरत कमी है। वो कमी ये है कि ये एक बार में एक ही चीज़ को समझती है, किसी भी चीज़ को पूरा पूर्णतः एकदम से नहीं समझ सकती। कल जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया था ना कि पालक पनीर ऐसा बना, एज ए होल आप समझा दो मुझको कैसे बनता है, ना तो आप समझा सकते हैं ना मैं समझ सकता हूँ। हो सकता है ऐसा कल को कोई सॉफ्टवेयर बन जाए जो एज ए होल चीज़ को समझा दे कि पेड़ ये होता है,
इंसान ये होता है, पालक पनीर ऐसे बनेगा? हो सकता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए, बन जाए तो हमारे काम का तो नहीं होगा। हो सकता है एलियंस को समझ में आता हो बाहर, लेकिन हमें नहीं समझ में आएगा। हमारी अकल एक एक चीज़ एक एक बार में स्टेप्स में ही चीज़ों को समझ सकती है, स्टेप्स में ही करती है और स्टेप्स में ही समझती भी है, राइट? तो हम लोग जो हैं वो सिस्टम्स को इसलिए अलग अलग पढ़ते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम अलग अलग एक एक स्टेप करके ही हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आज से हम लोग जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, राइट? हम लोग थोड़ा इसमें तेज़ चलेंगे। तेज़ इसलिए चलेंगे क्योंकि मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। जहाँ पे टेक्निकलिटी होगी वहाँ पर मैं खुद ऑटोमेटिकली आपके साथ स्लो हो जाऊँगा, राइट? अदरवाइज़ मेन टेक्निकलिटी आपकी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में है, मेन टेक्निकलिटी आपकी स्केलेटल सिस्टम में है, मेन टेक्निकलिटी आपकी जो है वो मस्कुलर सिस्टम में है, राइट? कुछ तीन चार सिस्टम्स ऐसे हैं जिसमें आपकी नर्वस सिस्टम है, राइट? ये चार सिस्टम्स हैं जिसमें बहुत टेक्निकलिटी है। इसमें हम लोग बहुत स्लो चलेंगे, लंबे समय तक चलेंगे, राइट? इसको हम लोग जो है वो थोड़ा तेज़ी के साथ करते हुए चलेंगे, राइट? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, आप में से किसी को अंदाज़ा? अगर आपसे कोई कहे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है तो आप क्या कहोगे? सांस अंदर कर रहे हैं और सांस बाहर कर रहे हैं, गुड। और कुछ? या और गैसियस एक्सचेंज हो रही है, वेरी गुड। ब्लड का सर्कुलेशन चलता है पंपिंग के थ्रू, तो वो तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, है ना? ओके फाइन, है ना? आप लोगों ने अभी दो आंसर्स दिए, दो तरह के। एक ने बोला ब्रीदिंग पैटर्न, एक ने बोला ब्रीदिंग पैटर्न, और एक ने बोला गैसियस एक्सचेंज, ऐसे ही है, राइट? ब्रीदिंग पैटर्न और गैसियस एक्सचेंज, इन दोनों में कुछ फ़र्क है या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? एक ने जनरल इंग्लिश बोल दी और एक ने टेक्निकल बोल दी, क्या ऐसा है? हम चीज़ों को शुरू से समझने की कोशिश करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि मुझे मालूम चल जाए आप किस लेवल पे खड़े हैं, मैं वहाँ से शुरू करूँ, है नहीं? मेरी पर्सनालिटी में एक बात बहुत अच्छी है, मेरी माताजी ने, मेरी माँ ने मुझे शुरू में एक बात सिखा दी थी बचपने में। उन्होंने ये सिखा दिया कि अकड़ जो है वो खास मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ मुर्दों की पहचान होती है, राइट? मींस जिस इंसान को झुकना नहीं आता वो इंसान जिंदा लाश है, अकड़ा हुआ है, राइट? मैं आपको वहाँ से लेके चलूँगा जहाँ पे आप हैं, मतलब मेरे अंदर अकड़ तो है नहीं, मैं वहाँ से यहाँ आ जाऊँगा और साथ में ले करके आपको यहाँ से वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तक मैं हूँ, उसके बाद आपको छोड़ दूँगा, फिर आप और आगे खुद सीख लीजिएगा। जिसमें से आप में से जिनको इंटरेस्ट होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, वो उसके ऊपर बिल्डिंग बना के और अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बना लेंगे, ठीक है? तो मैं सिर्फ सवाल आपसे इसलिए पूछता हूँ कि मुझे सिर्फ इतना सा अंदाज़ा हो जाए कि आपका लेवल कहाँ पर है, मैं वहाँ से शुरू करूँ। हो सकता है मैं लेवल आपका यहाँ पर हो, मैं समझ रहा हूँ आपको यहाँ यहाँ से यहाँ तक का टाइम खामा खा वेस्ट किया मैंने और आपका भी वेस्ट हुआ। ओके फाइन, तो ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज में कुछ फ़र्क है या दोनों एक ही चीज़ हैं? फ़र्क है, क्या फ़र्क होगा? ब्रीदिंग पैटर्न मींस कि वो जैसे कि लंबी लंबी सांसें लेते हैं और फिर उस तरह उसको ब्रीदिंग पैटर्न कहते हैं, और गैसियस एक्सचेंज जो हमारे बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होता है जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आप ये कह रहे हैं कि ब्रीदिंग पैटर्न वो होता है जिसमें हम लंबी लंबी सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, और गैसियस एक्सचेंज का मतलब वो हुआ कि हमारे मीन्स लंग्स में ब्लड में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड ले रहा है, ये आप गैसियस एक्सचेंज इसको बोल रहे हो। ओके फाइन, ठीक है। और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? असल में होता क्या है कि कभी कोई एक बात बोलता है तो उससे एक
किसी और के, किसी के भी, एक्स वाई जेड, जो है वो एक नया आइडिया आ जाता है या चीज़ याद आ जाती है कि हाँ यार हमने भी कहीं पढ़ा तो था ऐसा कुछ था, तो बोल दिया करो आप। ये मत सोचा करो एजुकेशनल सिस्टम में एक बात जो हमको और आपको नहीं सिखाई गई है, जो सिखाई जा रही है वो तो सिखाई जा रही है, वो तो है ही, हम लोग भी सीखेंगे, लेकिन जो नहीं सिखाई जा रही है वो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई हॉकी खेलते पे, क्रिकेट खेलते पे, बास्केटबॉल खेलते पे, कोई भी गेम खेलते पे, क्या हमें ये मालूम होना चाहिए केवल कि क्या क्या करना है, या हमें साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या नहीं करना है? दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए आपको, ये तो पता ही ये करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये नहीं करना है, और बार बार किए चले जा रहे हो उसी को, तो क्या होगा? वो येलो कार्ड होगा, फिर कुछ और कार्ड होगा, फिर वो रेड कार्ड होगा, फिर वो टूर्नामेंट से ही बाहर निकाल दिए जाएंगे, ऐसे ही होगा ना, राइट? तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पर नहीं जाना है, हम ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, राइट? एजुकेशनल सिस्टम जो है वो हमको मतलब बाई डिफॉल्ट पता नहीं कहाँ से, प्रैक्टिस से, थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिस से हमने ये सीख लिया है कि हम बोलेंगे तो पता नहीं हमारे क्लास फेलोज क्या सोचेंगे। जबकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिएगा, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, उसे अपनी फिक्र पड़ी हुई है, उसे अपनी फिक्र पड़ी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी वही पार कर ले, दूसरे के बारे में कितना याद रखोगे आप, क्या याद रखोगे? आप कुछ भी बोल दो, राइट? एजुकेशनल सिस्टम में हमको और आपको ये नहीं सिखाया जाता कि क्लास में हमें बोलना भी है, बोलो, गलत होगा, अगर गलत होगा तो टीचर सही कर देगा, अगर टीचर सही कर देगा तो आपकी लर्निंग परमानेंट हो जाएगी। भाई आपने गलत सीख लिया था, आप सही सीख लिया, अच्छा अगर आपने सही सीख लिया, मतलब सॉरी सही बोला और टीचर ने उसको कंफर्म कर दिया कि हाँ सही है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, तब भी आपने परमानेंट लर्निंग हो गई आपकी। हमारे दिमाग में जब भी लर्निंग होती है, जब भी लर्निंग होती है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, हमारे दिमाग में जब भी लर्निंग होती है, हमारे अंदर जब भी लर्निंग होगी, तो हमारे दिमाग में एक लाइन बन जाती है, एक स्क्रैच बनता है, हमारे दिमाग में एक स्क्रैच बनता है, राइट? उस स्क्रैच को इनग्राम बोलते हैं, लिख लीजिए आप इसको, इनग्राम, engram, इनग्राम। लिख लीजिए आप इसको अपनी भाषा में, है नहीं? कोई भी नई चीज़ सीखते पर हमारे दिमाग में एक स्क्रैच बन जाता है, एक लाइन बन जाती है, उस लाइन को या उस स्क्रैच को क्या बोलते हैं? इनग्राम, इनग्राम, इनग्राम बोलते हैं उसको। जब ये इनग्राम बन जाता है, जब ये स्क्रैच बनता है, तो हमारी लर्निंग परमानेंट हो जाती है, मतलब वो हमारे व्यक्तित्व का, वो हमारी पर्सनालिटी का वो चीज़ हिस्सा बन जाती है, ठीक है? नहीं, हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा बन जाती है, मतलब हाँ, मतलब मतलब अब कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं है, अब सर की पीपीटी की ज़रूरत नहीं है, अब एनाटॉमी की किताबें और एनाटॉमी इंटरनेट में हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें मालूम है कि इनग्राम, वो जो दिमाग में स्क्रैच बनता है, उसे कहते क्या हैं। अब हमें मालूम है कि कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, प्राइमरी सिस्टम्स एंड सेकेंडरी सिस्टम्स। अब ये आपकी पर्सनैलिटी का, अगर आपके व्यक्तित्व का अगर हिस्सा बना, तब तो यहाँ इतनी बकबक करना, इतना पीपीटी तैयार करके आपके पास लेके आना, दिखाना, बताना, आपका यहाँ इतनी देर बैठना, गर्मी में बैठने में भी दम लगता है, बोलने में भी दम लगता है, राइट? ये सब बहुत कारगर, तब तो ठीक है नहीं? और अगर आपकी व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बना ये,
सिर्फ पीपीटी पे ही रह गया, जो सर ने बोला था वो बस हवा में उड़ गया, रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड होकर के भी सुन नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कह रहा हूँ, है ना, और आपने उसको कोई कोशिश नहीं करी अपने व्यक्तित्व का उसको हिस्सा बनाने का, तो वो बेकार वरना कारगर, ठीक है। नहीं तो कोई भी चीज़ सीखें तो उसको अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाइए। टाइम उसमें अगर आप खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, और ये टाइम रिसोर्स आपके पास ऐसा है जो कि आपके पास इतना, ये सवाल टाइम 11 बजे से 12:40 वाला आज का ये टाइम लौट करके आपके पास दोबारा जीवन में कभी नहीं है, ये गया। हाँ अगला 11:40 12:40 तक का टाइम दूसरा कोई और आ जाएगा, तो जब दूसरा आ जाएगा तो उसमें दूसरी बातें हो रही होंगी, ये बातें नहीं हो रही होंगी। इसलिए आप कुछ भी लर्निंग करिए तो वो लर्निंग आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए, इसकी आप जितनी ज़्यादा कोशिश कर लें उतनी कामयाबी जो है वो आपके पैर छूने को तैयार है। मेरे बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, राइट। तो आपके दिमाग में जो बनता है वो एक एनग्राम बनता है। एनग्राम बनने के दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। एक तरीका तो ये है कि आपने मीन्स तुक्का मारा, तुक्का तो समझते हैं, तुक्का मारा और जो सीनियर था या टीचर था या समय ने, कहते ना समय सबसे बड़ा गुरु, या समय ने आपको ये बता दिया कि आपने जो तुक्का मारा था वो ठीक था, चूंकि तुक्का मारा था आपने, राइट, एक हल्का सा कहीं स्क्रैच बना होगा दिमाग नया सा, राइट, आपको जैसे ही उस पर कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, तो वो परमानेंट हो गया ऐसा, है ना, आपकी लर्निंग परमानेंट हो गई, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो गया, कोई स्क्रैच व्यक्तित्व का हिस्सा हो गया, राइट। आप गलत थे तो क्या मारना है, आंसर देने में गलत थे, किसी ने सही कर दिया, सीनियर ने सही कर दिया, टीचर ने सही कर दिया, समय ने सही कर दिया, एक बार सही कर दिया, राइट, वो गलत इंग्राम बनाता उसकी जगह एक सही इंग्राम बन जाएगा और आपको याद रहेगा कि पहले ये गलत था, बात खत्म हो जाएगी, तब भी आपकी लर्निंग हो जाएगी। तो आप जितना ज़्यादा क्लास में बोलेंगे चालेंगे, जितना ज़्यादा पूछेंगे बात करेंगे, उतने ज़्यादा आपके इंग्राम्स बनेंगे। मैं बोल करके यहाँ से चला जाऊँगा, आपके कम से कम कुछ नहीं तो 700-800 इंग्राम्स बनेंगे, लेकिन वो बहुत ही टेम्परेरी होंगे, मेरे जाते ही जो है वो फौरन 150 तक रह जाएंगे। उसके बाद जैसे ही टीचर आएगा और दूसरी चीज़ होगी तो ये 20-25 रह जाएंगे। शाम को आप लेकर के बैठोगे तो 5 से 10 रह जाएंगे। कहाँ 700-800 बने थे, मैं 700-800 सेंटेंस तो बोलूँगा ही ना, हर किसी का परमानेंट टेम्परेरी है, इंग्राम तो बनेगा ही ना, राइट, लेकिन रह जाएंगे 5-10। 11 से 12:40 तक की क्लास, 1 घंटा 40 मिनट की क्लास, अगर आपसे कोई पूछे बाहर निकल के आपका सीनियर के आज तारीख सर ने क्या पढ़ाया था, तो आप 5 या 10 बातें तो बताओगे, बस इससे ज़्यादा बताइए नहीं, ये बता दो, सब बता दो, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जाहिर सी बात है इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी, ताकि वो इंग्राम आपका एक बार परमानेंट हो, ठीक। तो आप लोगों ने अभी कहा कि ब्रीदिंग पैटर्न या सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया और गैसियस एक्सचेंज, ये हमारा जो है ये दो चीज़ें मिला करके ब्रीदिंग पैटर्न या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये दो चीज़ें मिला करके रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, या मतलब ये कह रही हैं कि ये दोनों चीजें मिला करके रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आप लोगों को सही कह रही हैं, वेरी गुड, ठीक है, ये दोनों चीजें मिला करके जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब एक बात मुझे ये मालूम चल गई कि बहुत इसी बेस लेवल पर आप लोगों की इतनी नॉलेज तो है, अब इसके ऊपर हम लोग चलने की कोशिश करें, ठीक है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ऐसी बात है, कोई भी सिस्टम हमारा बिना ऑर्गन्स के नहीं है, कोई भी सिस्टम है। हम लोगों ने बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में समझने की कोशिश की थी ना, कोई भी सिस्टम हमारा बिना ऑर्गन्स के नहीं है, उसके ऑर्गन्स मौजूद हैं, देन उसके फिर ऑर्गन्स से वो ऑर्गन सिस्टम बना है, ऐसे ही ना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, देन ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बना, फिर पूरा एक इंसान बना। पूरी स्टोरी ऐसे ही हम लोगों ने बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में सीखने समझने की कोशिश की, ठीक है ना। इसके भी बहुत सारे जो है वो आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे इसके ऑर्गन्स मिलेंगे, वो हम स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स जो हैं वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। करता क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम, करता क्या है, प्योर ब्लड को प्योर ब्लड कर जाते हैं, ओके। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दो अलग अलग चीजें हैं या ये दोनों एक ही चीज है। राइट, यहाँ थोड़ा सा मैं बताता चल रहा हूँ आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा तो और डिटेल में बात कर लेंगे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कोई भी ब्लड प्योर नहीं होता, और कोई भी ब्लड इम्प्योर नहीं होता। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कोई भी ब्लड प्योर नहीं होता, कोई भी ब्लड इम्प्योर नहीं होता। आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आप अभी तक तो आप जनरल पब्लिक थे तो कोई बात नहीं थी, आप अभी कर रहे हो ऐसे, आगे से आप नहीं करेंगे ऐसे, है नहीं। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कोई ब्लड नहीं होता। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अलावा कोई दूसरा ब्लड नहीं होता। अब आप लोग टेक्निकल हो गए ना, इस फिजिकल एजुकेशन में आ गए तो अब आप सीख रहे हैं इसकी टेक्निकलिटीज, ठीक है। राइट, जनरल पब्लिक आज के बाद से, जनरल पब्लिक चूंकि टेक्निकल नहीं है, उसने नहीं सीखा फिजिकल एजुकेशन के बारे में, उसने नहीं सीखा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, तो उसको बोलने दीजिए प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ठीक है, उनके लिए ठीक है, उनके लिए बहुत मुश्किल है ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड, है ना। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं टेक्निकलिटीज, और टेक्निकलिटी सीखते पर हम भाषा प्रयोग करें पॉसिबल नहीं, तो कहीं टकराव सा महसूस होगा, फिर किस चीज़ के स्टूडेंट हैं, अगर कोई चेंज ही नहीं आया, बिहेवियरल चेंज आना चाहिए ना, कोई तो बिहेवियरल चेंज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजन, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और दूसरी पॉइजनस गैसेस की मात्रा ज़्यादा हो। ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, और पॉइजनिंग गैसेस जो हैं या पॉइजनस गैसेस जो हैं उनकी मात्रा बहुत कम हो गई है, तब भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन होती है लेकिन बहुत कम मात्रा की। ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती या पॉल्यूटेंट्स नहीं होते, होते हैं, सब होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, इसलिए उनको एक को ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं और दूसरे को डी ऑक्सीजनेटेड होते हैं। राइट, तो हमें ये बात भी समझ में आ गई कि ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके कुछ ऑर्गन्स हैं यूज फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। फंक्शंस क्या क्या होंगे, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, राइट, मैं एक एक करके आपको यहाँ पर ऐसा तो देखते चल रहे हैं। एक पहला फंक्शन तो इसका है कि आप ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, राइट। दूसरा ये आपको जो है वो बोलने में मदद करता है, बिना हवा के क्या बोल सकते हैं, राइट।
जब भी आप बोलते हैं तो हवा अंदर जाती है या बाहर आती है? कभी बोलने की कोशिश करिएगा, मैंने कई बार कोशिश करी बोलने की कि सांस अंदर लूं और फिर बोलूं, कोशिश करो कोशिश। यहाँ हमें डेलिबरेटली बना के कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग सीखेंगे। हाँ बोलो बोलो, ऐसा ऐसा अंदर करो, बोलो कुछ बोलो, कोशिश करो यार, हंसो नहीं। आप अपनी बॉडी से नहीं खेल सकते, और दुनिया में दम भरते हो कि मैं दूसरे की जिंदगी से खेल लूंगा, अपने जीवन से अपनी बॉडी से खेल नहीं पाए। खेलो खेलो कोशिश करो, देखो। अच्छा ये बताना, अंदर करो, अंदर करो और बोलने की कोशिश करो तो कहाँ आ सकता तो बताओ। पहले बोलो तो कहाँ आ सकता, सांस लो और बोल रही कोशिश करो। अरे हो गया यार, ऐसा तो इंसान दुनिया का कोई काम ना करे। अरे यार दुनिया में दो ही तो लोग हैं जो सारे काम करते हैं, एक उम्र वाला एक इंसान। भूत प्रेत तो है नहीं, करते नहीं वो काम, काम और काम पैसे चक्कर में डरा दिए हैं। हाँ बोलो, कुछ ट्रैकिया में पड़ता है, कुछ गले में ज्यादा असर पड़ता है। अच्छा राइट, अभी छोड़ो, छोड़ो नहीं, अगर बोलो खाली बोलो, बोलो ऐसे ही बोलो और फिर ध्यान लगाओ कि आपके किस बॉडी पे ज्यादा स्ट्रक्चर, किस ऑर्गन पे ज्यादा स्ट्रक्चर पड़ता है। बोले तो है नहीं आया बोलो, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माताजी का नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं 8 घंटे की अनॉटमी कर चुका हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा बोलते रहो। बोलो ना जोर से यार, यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो बस, बोलो यार, लेकिन साहब आवाज़ नहीं आ रही। बोलो ना हमसा साहब जी, इधर देख के बोलो, क्लास में बोलना है, करना है, एनोटिंग पहली क्लास आज हमारी शुरू होगी। हाँ बोलो, मजे करो यार क्लास में। क्या माता जी कहाँ ध्यान लगाया? यहाँ ध्यान लगाया, हम बोलने पे ध्यान लगवा रहे हैं, आप वहाँ ध्यान लगा रही माता जी। जी कहाँ से जी? दोनों में ही आए, फिर तो बोले नहीं हमसे, और मैं कह रहा बोल नहीं रहे हो। और ये कह रहे हैं कि जब हम सांस अंदर ले रहे थे और बोल रहे थे तो लंग्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, अभी लंग्स पे कम प्रेशर पड़ता है। ओके फाइन, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या सर, और कहाँ असर पड़ा? थ्रोट पे असर पड़ा सर, जी ब्रेन पे असर पड़ गया। क्या हुआ, ब्रेन खराब हो गया? अच्छा हो गया सांस छोड़ के जब आप बोल रहे थे, ब्रेन पे असर पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ जाएगा? नेगेटिव असर पड़ जाएगा, यानी कि हम ज़्यादा सांस छोड़ के बोलेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो हमारी 7 घंटे की नॉट की क्लास हो गई, तो अब तक तारक मोहन का दिमाग खराब हो जाना चाहिए, मगर नहीं हुआ। ऊपर वाले का धन्यवाद। और क्या हुआ, और कहाँ असर पड़ेगा? मैंने आपसे क्या कहा, आप अगर बोले नहीं इसमें चक्कर से महसूस होता है यार, 2.5 घंटे में यार बोलता हूँ यार, स्टोमक पे पड़ेगा। दैट्स इट, देखो एक लड़की ने बोला है क्या, स्टोमक पे पड़ेगा, स्टोमक। आप बोल नहीं सकते, बोल के देखो जरा, हाथ रखो यहाँ, ऐसा हाथ रखो यहाँ, राइट। अब बोलो मेरा नाम, बोलो मेरा नाम, भाई जी बोलो मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, पढ़ रहा है
हमारे सीनियर से नहीं पढ़ा, पढ़ा राइट पेट में है नहीं। अब आप जितनी देर तक बोलोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ की मसल्स जो है वो इस्तेमाल होंगे। आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कई बार गोल मार के आउट करके बहुत ज़ोर से चीखते हो, बड़ा खुश होते हो, कई बार आपका कैच छोड़ दिया जाता है किसी और प्लेयर से तो आप नेटफ्लिक्स की भाषा बोलते हो, बोलते हैं बड़ा मज़ा आता है नेटफ्लिक्स की भाषा बोलने में, क्लास में भी बोले गए हैं लेकिन अलग अंदाज में बोले, ठीक है नहीं तैयार रहिएगा। नेटफ्लिक्स की भाषा हम लोग जो दोस्तों में बोलते हैं या वैसे बोलते हैं वो हम अलग अंदाज में बोलेंगे, वैसे ही बोलेंगे जैसे हम बोलते हैं, वो तो बहुत गंदी बोलते हैं, हम बड़ी अच्छी वाली बोलेंगे। कैसे अच्छी वाली बोलेंगे पता है, हम ऐसी अच्छी वाली बोलेंगे मतलब वो खाम खाम माँ बहन को इस्तेमाल करते हैं, अरे बाप और भाइयों को इस्तेमाल करेंगे, हाँ तब मजा आए, बोल के देखो जरा तेरे भाई का क्या क्लास में मैं आपको बोल रही हूँ और एनॉर्ड भी ठूस भी दूंगा आपके अंदर, ओके फाइन। नेटफ्लिक्स की भाषा भी बोलेंगे हम लोग अभी नहीं बोलेंगे, ओके फाइन। तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर ना हो तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, यानी स्पीकिंग के सारे सिस्टम मौजूद हो लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम ना हो बस तो हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है नहीं राइट। हमारे सारे स्मेल के सिस्टम बिल्कुल ठीक हो, यानी ओल्फैक्टरी सिस्टम बोलते हैं उनको, सब कुछ सही हो बिल्कुल लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम बस काम ना कर रहा हो ठीक ठाक से। कोरोना में रेस्पिरेटरी सिस्टम डाउन हो गया है, कोरोना में रेस्पिरेटरी सिस्टम डाउन हो गया ना, खुशबू चली गई, सूंघने की क्षमता चली गई, लोगों चली गई थी ना। तो एक काम इसका जो है वो बोलने पे है और इसका सुनने पे है, दूसरा आपकी जो आप हवा ले रहे हो उसको वो गर्म कर रहा है आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार, इससे पहले ही वो लंग्स में जाए। लंग्स तो बहुत ही खिचखिचे से यानी बहुत ही मुलायम ऑर्गन्स हैं, बहुत ही मुलायम, आप हाथ पकड़ के ऐसे कर दो तो मेरा खून बहने लगेगा, हड्डी जैसे नहीं है ना, मसल्स जैसे भी नहीं है, बहुत ही नाजुक है। बाहर का टेम्परेचर की एयर या तो बहुत गर्म है या अभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कुछ महीने बाद, अगर ये बहुत गर्म एयर अगर अंदर चली जाए तो भी हमारे लंग्स फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, खास करके ठंड के मौसम में तो हर सांस में बर्स्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं होते 52 साल में आज तक मेरे नहीं हुए, 20-25 सालों में आपके नहीं हुए आज तक, क्यों नहीं हुए, क्योंकि जैसे ही नॉस्ट्रिल्स के अंदर एयर जाती है तो फौरन हमारा साइनस, साइनस है वो हमारा जो है वो वार्मिंग एंड कूलिंग चैम्बर है, वार्मिंग एंड कूलिंग चैम्बर है, हवा को वो फौरन अपने में सर्कुलेट करता है और बिना हमारी जानकारी के, हम सोच के नहीं कर रहे, सोच के तो हम कोई एक ही काम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोच के कोई एक ही काम कर सकते हैं, आप इस वक्त सोच के सिर्फ मुझको सुन पा रहे हो, सिर्फ आप मुझको सुन पा रहे हो, दूसरी कोई सोच आपके अंदर नहीं आ रही, हालांकि बहुत सी सोचें आपके अंदर है, आपके अंदर मोबाइल फोन का नंबर है अपना, मैंने कहा तो याद आ गया अभी वरना अभी तक तो नहीं याद आ रहा था, है नहीं, पिताजी का नाम अभी याद आ गया, भाई बहनों के नाम अभी लिस्ट तैयार हो गई अंदर अभी तक नहीं आ रही थी, ऐसी सूचनाएं बहुत सारी आपके अंदर है, तो सोच करके आदमी एक ही काम करता है, बिना सोचे समझे हमारी बॉडी बहुत सारे काम करती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता, खा के आए हैं डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, अगर सोच करके डाइजेशन प्रोसेस कर रहे होते तो या तो डाइजेशन सिस्टम रुक जाता या सर्कुलेटरी सिस्टम रुक जाता या रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक जाता या हमारी ये हवा का चैम्बर साइनस जो है ये रुक जाते, एक ही काम तो होता ना सोच, राइट। इसलिए हमको जो है वो सोच करके करने के लिए नर्वस सिस्टम में एक अलग सेक्शन रखा गया है और बिना सोचे समझे बहुत सारे काम एक साथ होते रहे बॉडी उसके लिए नर्वस सिस्टम में अलग रखा है, वो हम लोग जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हमारे जो है वो हवा को गर्म कर रही है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार,
यहाँ पर क्लियर डेलीवर्स ऑक्सीजन, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके जी। हमारी एक एक सेल में जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स। दूसरे तरीके से भी पहुंचाया जा सकता है, यानी आपको वेंटिलेटर में डाल दिया जाए, आपको मास्क लगा दिया जाए, लेते रहिए सांस थोड़े रहिए, लेकिन प्राइमरी सोर्स है। रिमूव्स वेस्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सब हमें बताइए सारी चीज़ें। प्रोटेक्ट्स योर एयरवेज फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड इरिटेंट्स। आपके जितने एयरवेज हैं, जहाँ जहाँ से आपकी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा जो इसके ऑर्गन्स हैं, जहाँ जहाँ हवा जा सकती है वहाँ तक, उनको जो है वो पॉल्यूटेंट से और इरिटेंट से, इरिटेंट मतलब जो आपको एयरवेज को या आपके ऑर्गेनिज्म को खतरे में डालते हैं, राइट। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो है वो उन इरिटेंट्स को, उन पॉल्यूटेंट्स को रोक लेता है। नाक के अंदर जो है वो बाल है, जैसे ही हवा अंदर गई और हवा के अलावा जितने भी और पार्टिकल्स हैं उनको ये दिखाई भी नहीं दे रहे, वो सारे जो है वो हमारे बाल उनको जो है वो यही ट्रैप कर लेता है। अगर ये साइनस में चला गया, एक पार्टिकल भी अगर साइनस में चला गया तो धन से छींका जाएगी, छींक देगा फॉर्म बाहर निकाल देगा, राइट। साइनस के अंदर अगर चला गया और परमानेंट हो गया तो लगातार आपको ऐसा लगेगा जैसे कहीं यहाँ पर नाक में या यहाँ कहीं ऐसा जैसे चीटी से चल रही है अंदर, लगातार आप कंसंट्रेट, एक डस्ट पार्टिकल है, एक डस्ट पार्टिकल जो आपके किसी तरीके से साइनस में चला गया, किसी तरीके से साइनस में चला गया, इरिटेंट है। इरिटेंट मतलब आपको परेशान क्यों हुए, आपको ऐसा लग रहा है चीटी सी चल रही है, बहुत परेशानी सी हो रही है, कहीं किसी चीज़ पर आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपको खाना खाना नहीं अच्छा लगेगा, आपको अपने जो फेवरेट कपड़े हैं वो पहना दिया जाएगा लेकिन आपको फिर भी वो कपड़े आपको नहीं अच्छे लगेंगे, क्यों? उसे भी डस्ट पार्टिकल वहाँ चला गया, जाता नहीं है। करोड़ों बार आपने सांस ली होती है तो शायद एक आध साइनस में चला जाता है, तो जैसे ही जाता है वो करोड़ों में एक आध जो जाता है तो फौरन छींक के जरिए से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि खरबों बार सांस लेने पे कहीं जो है वो अंदर जाएगा, और अगर आपने एक खरब बार सांस ले ली तो आपकी उम्र हो जाएगी 120 साल, जो कि होती नहीं, उसे पहले निकल लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी, ठीक है, ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सुन लीजिए एक बार, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको जब स्लाइड्स देखें तो रिवीजन कर लें, और जैसे ही ये वीडियोस अपलोड हो तो आप उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कान में लगा, राइट, ओके। एक तो तरीका है बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं, नाक के छिद्र से, नॉस्ट्रल्स से शुरू हो रहे हैं और लंग्स में जाके खत्म हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ऐसी। तो एक तो एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एनवायरनमेंट मतलब ये हमारे चारों तरफ जिसको हम लोग अभी तक स्पेस बोल रहे हैं, आकाश बोल रहे हैं, राइट, एक तो ये है, इसका और लंग्स के बीच में ऑक्सीजन का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है क्या? ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत? गलत। कैसे गलत? ऑक्सीजन नहीं आती, एयर जाती है। ऑक्सीजन नहीं आती, एयर जाती है, ये ऐसा बोल रहे हैं आप लोग, कैसे बोल रहे हैं? क्या सही है, ऑक्सीजन ही लेते हैं ये सही है या वो कह रहे हैं कि एयर हम लेते हैं वो सही है, क्या सही है?
एयर और ऑक्सीजन एक ही चीजें हैं। आपका परिवार और आप एक ही चीज हो, फिर तो आप ही पिता हो, आप ही माँ हो, नहीं है ना? पूरा परिवार है, उस परिवार का एक हिस्सा आप ऐसे ही है ना। एक परिवार है, उस परिवार का ये खर्च एक हिस्सा है, लिखे लिए एक हिस्सा है, कार्य एक हिस्सा है, ऐसे ही राइट। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होती है, केवल ऑक्सीजन नहीं होती, पूरा परिवार होता है, वो पूरा परिवार हमें अंदर लेना होता है, ठीक है? नहीं, एयर का कंपोजिशन हमको और आपको पढ़ा होगा हम लोगों ने आठवीं नवीं क्लास में, यानी 80% तो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, जो कि हमारी बॉडी में किसी काम की नहीं। ये गलत बात है, एजुकेशन सिस्टम ने गलत सिखा दिया है, किसी काम की, बड़े काम की होती है हमारा। अच्छा, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 0.2 ऑक्सीजन है बाबा जी का ठुल्लू। सेवेंटी नाइन परसेंट जो है वो नाइट्रोजन है, 20% जो है वो हमारी ऑक्सीजन है, और 1% जो है वो हमारी जो है वो और दूसरे की एसिड है, बहुत सारे बहुत सारे। राइट, तो हम अपने सिस्टम के अंदर पूरा परिवार लेते हैं, ठीक है? राइट, उस परिवार में से उसका एक सदस्य को हम बाहर निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक। अंदर हमारे एक परिवार जनरेट हो चुका होता है हवा का, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसका ज्यादा पोर्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दूसरी गैसेस होती है, ऐसी। तो एक तो आम जनता ऐसा बोलती हो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अगर आम जनता बोलती है जिसके हम हिस्सा हैं, लेकिन टेक्निकल है। अब टेक्निकल है, तो अब हम ऐसा नहीं बोलते कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एयर ही लेते हैं, एयर ही छोड़ते हैं, ठीक है? उसमें कंपोजिशन डिफरेंट होती है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे बोला गया था 3 हफ्ते में आपको इतना हो जाएगा ज्ञान कि आपको बहुत फैन पैदा हो जाएगी, मुझे बहुत एनर्ट नहीं आती है, कुछ नहीं आती होगी। ओके भाई, तो ये हमारा जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इसको जो है वो पुलमोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और पुलमोनरी रेस्पिरेशन। कॉम्पिटिशन्स में अक्सर ये सवाल आता है कि पुलमोनरी रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, वेरीफाइड ट्रू। पुलमोनरी रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है पुलमोनरी, देन इंटरनल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है असल में, आई डोंट नो, इसमें एक तो इसका सिस्टम का, हमारे रिसर्च स्कॉलर बता रहे हैं दो सिस्टम्स का फर्क है, जिस सिस्टम पे मैं काम करता हूँ, जो सिस्टम मेरे पास है वो लेटेस्ट वर्जन है, और यहाँ जो सिस्टम चल रहा है आपके इसमें क्लासरूम में है ना, वो पुराना सिस्टम। तो नए सिस्टम की तैयारशुदा स्लाइड्स या उसका काम जो है वो इसमें नहीं चले, तो मैंने अपने रिसर्च स्कॉलर से रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ इसको अपडेट कर दें, इसको लेटेस्ट में अपग्रेड कर दें, ये लोग करेंगे जब उनको टाइम मिलेगा।
राइट, तब हम लोग इस स्लाइड टेबल से जाएंगे। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल, यहाँ लिखा है इंटरनल, जो कि आपको अभी उस सिस्टम वेरियंस की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। राइट, इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो जो बाहर एयर है वो अंदर चली गई लंग्स तक, ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, लंग्स तक चली गई बस। अभी लंग्स में जाके गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होंगी, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट होके वो एक एक सेल पे जाएंगे, फिर सेल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज शुरू होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड पूरी बॉडी में सेल टू सेल ट्रैवल करेगा, हर सेल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाएगा और वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ऐसा ही है ना? राइट, लंग्स से सेल तक का सफर, लंग्स से सेल तक का आदान प्रदान का सफर, ये पूरी यात्रा जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन, पूरी यात्रा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहां तक है? बाहर से लंग्स तक, बस लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज, फिर ब्लड का ट्रेवल, फिर सेल के अंदर बाहर गैसियस एक्सचेंज, ये आपका इंटरनल है, क्योंकि बॉडी के अब अंदर हो जाए, बाहर से उसका कोई मतलब नहीं। क्या एक बात समझ में आई? कुछ लिखना हो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। राइट, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे रेस्पिरेशन कितने तरह के हैं, तो हमारे रेस्पिरेशन दो तरह के हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, और एक हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, नाम से ही पता चल रहा है नहीं, वो भी नाम से पता चल रहा है कि बाहर की एयर अंदर ले रहे हैं और अंदर की एयर बाहर छोड़ रहे हैं, इसलिए उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब कोई भी चीज़ जो बाहरी हो, और इंटरनल मतलब कोई भी चीज़ जो आंतरिक हो, अंदर की हो, उसको जो है वो इंटरनल बोलते हैं, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है। इसमें बस एक टेक्निकल पॉइंट है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को जो है वो टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं और इंटरनल को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है भाई, उल्टा हो गया तभी सर, हाँ नहीं सिस्टम में एक बात और गलत सिखा दिया, वो ये कि जो सर कह रहे हैं तो चार इन पर अच्छे मिलेंगे। ओके फाइन, ठीक है, अभी फेजेस ऑफ क्या लिखा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। राइट, फेजेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम समझ रहे हैं ना, हवा अंदर लेनी है और हवा बाहर छोड़नी है, ठीक है। अब इसके कौन कौन से फेजेस होते हैं हमें वो समझना है, तो कौन कौन से फेज हैं इसके? अंदर जाए, ओके, और शीशे के सामने थोड़ी देर खड़ा जाएगा तो बात होगी, थोड़ा मुस्कुराया ऐसा लगता है जैसे गुस्से में तुम मुझे मार दिया। राइट, अभी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे थे यार, तुम गया ओके, एक अंदर जा रही है हवा और बाहर आ रही है, ऐसा बोल, ये फेजेस है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक कह रहे हो। अंदर बॉडी के अंदर जाए,
लंग्स तक जाएगी, बाद में बात कर लेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन सा जाएगी, लेकिन लंग्स तक जाएगी, ठीक है ना सर। तो ये कह रहे थे कि अंदर जाएगी और दूसरे फेज में बाहर निकलेगी, यही तो कर रहे हैं। आँख बंद कर सको, आँख बंद, कमर सीधी करके बैठो, आँख बंद करके बैठो, ऐसे भेड़ा के होकर क्या जाएगा, आँख बंद करो। नसीब से बड़े अच्छे स्टूडेंट है, सारा कहना मानते हैं ये तो राइट। आगे बंद रखें, बंद रख भैया, रखें फूट जाएगी राइट। अभी आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान देना, कौन कौन से फेजेस हो रहे हैं, आंख बंद, आइस की प्रॉब्लम है तो आंख बंद कर लो, तो आई फ्लू आएगा तो आंख बंद होने से प्रॉब्लम होगी, खोलने से चुभन होती है या बंद होने से, बताएं खोले राइट। आप में से कितने लोगों ने अभी 22-25 साल की उम्र में कितने लोगों ने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे इससे पहले भी ध्यान दिया कि हो कैसे, कभी ध्यान दिया किसी ने, नहीं ध्यान दिया, ऐसे जीवन चल रहा है, अलग टक कुछ भी अपने बारे में मालूम नहीं है, दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में ऐसे ही है ना जी। तीन फेज हो रहे हैं, कौन कौन सा, अभी तक बात हो रही थी दो फेजेस, अभी थोड़ा सा ध्यान लगाया तो अनम अमन थोड़ी गजनी मेमोरी है मेरी यार नाम के मामले में, भाई सब लोग एडजस्ट कर लेना आपके साथ। अमन साहब ने, अमन साहब ने ही पहले ही कहा था कि अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम सब लोगों ने ध्यान लगाया तो अमन साहब ने ही ये बोला कि अंदर ले रहे हैं फिर थोड़ी देर रुक रहे हैं फिर बाहर छोड़ रहे हैं फिर थोड़ी देर रुक रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया में ये जो इन्होंने प्रक्रिया बताई, ले रहे हैं रुक रहे हैं छोड़ रहे हैं रुक रहे हैं ले रहे हैं रुक रहे हैं छोड़ रहे हैं रुक रहे हैं, क्या ये सही प्रक्रिया बता रहे थे? ओके फाइन, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिर से आंखें बंद, हाँ बताए ओके फाइन, वो तो अंदर जाएगी तो कोई चीज़ फैलेगी फैलेगी जाएगी, क्या चीज़ रिप केज ऐसे ऐसे हो रहा है, ओके फाइन यार ये देखो तुम्हारे सिस्टम में क्या हो गया भाई, चल हाँ बताएं ओके भाई, तो पूछना कि ये हो क्या रहा है, मतलब आपका जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है बाहरी रेस्पिरेशन है ये हो किस तरीके से रहा है, किन फेजेस में हो रहा है, तो अभी तक हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जाना था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऐसा, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि इंटरनल रुकना एक्सटर्नल देन रुकना देन इंटरनल देन रुकना ऐसे करते जाए, तो क्या ये सबको फील हो रहा है, लेना रुकना छोड़ना रुकना लेना रुकना छोड़ना रुकना, क्या ये सबको फील हो रहा है? हाँ जी सर, फिर से एक बार आंखें बंद करो, बंद करो जी, अरे बंद करो यार, गुस्सा क्या है देख रहे हाल बना दूंगा, फिर से अपनी सांसों पर ध्यान लगा,
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे ध्यान रखें। जबरदस्ती रोकना नहीं, अगर रुके तो रोकना। जी कुछ पकड़ में आया बोल लीजिए। हो रहा है क्या? हो तीन फेजेस में, दो में ही हो रहा है आप, दो में ही, दो में हो रहा है, तीन में हो रहा है, कंफ्यूजन में हो रहा है, दो में हो रहा है, दो इनहेलेशन दो एक्सहेलेशन हो रहा है। देखिए पहला चीज आपकी जो हो रही है वो आप इनहेल कर रहे हो। अगर किसी को कंफ्यूजन में हो रहा है या किसी को दो फेजेस में हो रहा है या किसी को एक एक फेज दो दो बार हो रहा है, इनहेलेशन भी हो रहा है फिर इनहेलेशन हो रहा है, अगर ऐसा भी हो रहा है तो थोड़ा सा हम लोग उसमें करेक्शन करना है। एक बार इनहेलेशन हो रहा है, इनहेलेशन होते पे ये सारा काम होता है राइट। जो आप कह रहे थे कि सीना ऐसे हो रहा है, नहीं, लंग्स असल में हवा के आने से फूल रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिब केज जो है वो थोड़ा फैल रहा है, साइड से, साइड से ज़्यादा फैलता है और आगे से कम फैलता है लेकिन फैलता है, ठीक है। लंग्स भी हमारे ऐसे ही फैलते हैं, साइड से फैलने की रिब्स के पास जगह ज़्यादा होती है। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग रिब्स को जब समझेंगे तब हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करें, उसे समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे। अभी हम लोग लंग्स तक सीधे हैं, ठीक है। चूँकि रिब्स उससे अटैच है इसलिए रिब्स के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग करते चले बस आ रही। तो रिब्स जो है वो ऐसे ज़्यादा फैलती हैं और ऐसे कम फैलती हैं, ऐसे फैलने की जगह इनके पास कम है, ऐसे फैलने की जगह ज़्यादा है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, साइड से निकली हुई होती है इसलिए ये साइड से फैल जाती है, आगे का स्ट्रक्चर आगे नहीं निकला हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसा फैलना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है राइट। जब तक कि आप बहुत गहरी सांस ना भरो जब तक ये ऐसे नहीं उठे, इसको ऊपर उठाना है तो उसके लिए आपको बहुत गहरी सांस लेनी है राइट। अदरवाइज नॉर्मल ब्रीदिंग में ऐसे फैलेगा ऐसे जाएगा और ऐसे बहुत कम है, ठीक है। वही यहाँ पर हो रहा है, इस वक्त लंग्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो सारे इंक्रीज हो रहे हैं, रिब केज एक्सपेंड हो रहा है, वो सब कुछ आपने बताया हमको। एक डायफ्राम यहाँ पर एक मसल होती है, वो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ खींचती है, एक मसल है नीचे की तरफ खींचती है तो लंग्स में जगह हो जाती है, लंग्स में जगह हो जाती है तो ऊपर से हवा उसके अंदर घुस जाती है राइट। ये नीचे से जोर मारेगा हवा जो है वो बैलून में, जैसे आप जोर मारते हो ऐसे बाहर वो बाहर। ये तो हमारा एक इंस्पिरेशन इनहेलेशन एक फेज है, ठीक है नहीं। इसका दूसरा फेज जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी पॉज है, लेते हैं देन रुकते हैं। Thank you.
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सुपर्णे को खेलने नहीं कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ ए फोर्स इन ए मसल, मसल के अंदर किसी तरीके का फोर्स का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ए फोर्स इन मसल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हो कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट राइट, मैं कह रहा हूँ ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है सर राइट, इसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, इसको आइसोटॉनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ये हो गया आइसोमेट्रिक। मैं दीवार पर धक्का मार रहा हूँ तो क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ दीवार पर या नहीं लगा रहा, दीवार पर फोर्स लगा रहा हूँ इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मुझे लेकिन काम होता नजर नहीं आ रहा। जिस मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको काम होता नजर नहीं आता उसको आइसोमेट्रिक कहते हैं, जिसमें आपको काम होता नजर आता है उसे आइसोटॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मसल जो है वो हमारी छोटी होती है तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, नहीं जब मसल्स के अंदर फोर्स का प्रोडक्शन होगा चाहे मसल छोटी हो या ना इससे वैसे हो सकता है ऐसी है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसा हो गया कॉन्ट्रैक्शन फोर्स का प्रोडक्शन हो गया इसके अंदर या नहीं हुआ, फोर्स का प्रोडक्शन इसके अंदर हो गया इसका मतलब भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया ऐसे राइट। अगर मैं ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा हूँ तो फोर्स का कॉन्ट्रैक्शन इज लोअर, फोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये हमने गलत सीख लिया है कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा करना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा करना नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ए फोर्स इन अ मसल। लिख लीजिए आप लोग इसको कॉपी में क्योंकि मस्कुलर सिस्टम हमारा 2 महीने बाद आएगा और 2 महीने तक हम भूल जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ ए फोर्स, प्रोडक्शन ऑफ ए फोर्स इन अ मसल प्रोडक्शन ऑफ ए फोर्स इन अ मसल ओके इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। दिस प्रोडक्शन फुल स्टॉप के बाद दिस प्रोडक्शन मे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ जरूरी नहीं आप इंग्लिश में लिखो या फिर इसको हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते दिस मतलब कैसे लिखेंगे दिस दाखा छोटी की मात्रा और सा दिस लिखो अंग्रेजी में ऐसे क्या नहीं लिखो अंग्रेजी से क्या इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जानी चाहिए राइट। दिस मे कॉज ईदर ई आई टी एच पी आर ईदर जिसको आमतौर से लोग आइदर बोलते हैं ईदर बाई फ्लेक्सिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स और without flexing and relaxing, either by flexing and relaxing or without flexing and relaxing. ठीक है अमन साहब, आप जिसको ऐसा कह रहे थे कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता इसे फ्लेक्स करना कहते हैं, फ्लेक्स योर मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट योर मसल्स एंड फ्लेक्स योर मसल्स में जमीन आसमान का फर्क है। फ्लेक्स योर मसल्स मसल को आपको छोटा करना, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन।
एक्सटेंशन, इज कॉल्ड एक्सटेंशन। जब लोग मसल्स आएंगे तब मसल की बात करेंगे, अभी बहुत छोटे लेवल पे आपने चूंकि कहा इसलिए, राइट, इसे फ्लेक्चर कहते हैं, राइट, इसे कॉन्ट्रेक्शन नहीं कहते। कॉन्ट्रेक्शन इज ए प्रोडक्शन ऑफ ए फोर्स, फोर्स का प्रोडक्शन, फोर्स का प्रोडक्शन आपकी मसल के अंदर होगा, इसका मतलब मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसे कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। और दो प्रकार के कॉन्ट्रेक्शन जनरली, दो प्रकार के कॉन्ट्रेक्शन, आइसोमेट्रिक और आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक में काम होता नजर आता है, आइसोमेट्रिक में काम होता नजर नहीं आता मगर काम हो रहा होता है। आइसोमेरेज में काम होता नहीं, इसमें आइसोमेट्रिक में काम होता है मगर होता हुआ नजर नहीं आता। मैंने अभी दीवार में धक्का मारा, कोई काम होता नजर आया, लेकिन काम तो हो रहा है, फोर्स तो लग रही है ना उसमें, ठीक है। इसी तरीके से आप पुशअप्स के लिए जाते हो, जब आप पुशअप्स करोगे तो आपकी ये तो हिलते होंगे ऐसे ऐसे, और एब्डोमिन की मसल्स कैसी हो जाएगी, अभी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल टाइट हो जाती है, डिप्स करते हुए पेट की मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाती हैं, तो पेट की मसल्स का काम तो नहीं दिखाई दे रहा, अगर काम तो हो रहा है। ये आइसोमेट्रिक में है और ये आइसोटॉनिक में है, ठीक है। मैं स्क्वेट्स कर रहा हूँ ऐसा, राइट, ओके। थाई मसल्स, हिप मसल जो है वो मेरी कौन से कॉन्ट्रेक्शन में है, आइसोटॉनिक में है। मेरी स्पाइनल इरेक्टर, ये पीछे मसल जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर से नीचे तक चलती है, ये किस उसमें है, आइसोमेट्रिक, इसका काम होता नजर नहीं आ रहा। बहुत समझ में आया। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये इन्हेलेशन का प्रोसेस है, देन हमारा रेस्पिरेटरी पॉज आता है, देन उसके बाद हमारा एक्सहेलेशन होता है। एक्सहेलेशन में वो सारी चीज़ें होंगी जो इसकी सारी चीज़ें उल्टी होंगी, यहाँ पे लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ डिक्रीज होगा, है रिब केज एक्सपेंड होगा तो यहाँ रिब केज रिट्रैक्ट होगा, मीन्स वापस अपनी जगह जाएगा। यहाँ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्लैक्स हो रहा है, तो यहाँ पर जो है रिलैक्स हो रहा है, ठीक है नहीं। देखने में और ऑब्जर्वेशन करने में फर्क होता है, खाली इसको पूरा कर लेते हैं। एक्सपिरेशन के बाद फिर रेस्पिरेटरी पॉज होगा, फिर एक छोटा पॉज होगा, इसके बाद फिर इनहेलेशन होगा, फिर ये प्रोसेस चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे ही चलता है, ये जीवन में ऐसे चलता है। ये एयर प्रेशर ड्रॉप हो गया, अभी आपका एयर प्रेशर था अंदर तो हवा अंदर आ गई। अभी मैं आपको मुंह और नाक बंद करूं, क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका दम घुटेगा, ठीक है नहीं, ओके, एयर प्रेशर बन जाएगा अंदर, तो अब आप क्या करोगे, भड़बड़ा के सांस लोगे, ऐसे नहीं लोगे, ऐसे सांस लोगे तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा, खड़ी हो जाए, बंद कर देता तेरी नाक नहीं सर ऐसे ठीक, सांस लो, मुंह बंद करो, बिल्कुल बंद रखना, आंख बंद कर, मुंह बंद कर, न्यूज लेना नहीं, ये तो कुछ ना हो आगे सर वीडियो बन गई सर आपके नाम स्विमिंग कुछ भी नहीं हुआ सर, सांस ले रही थी उसका मतलब चोरी है, सांस आ जाएगी तो बताइए, राइट, देखो अभी आपने सांस नहीं ले रहे थे ना, राइट, तो प्रेशर अंदर बहुत बन गया है।
नहीं बना, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया, आपने सांस अंदर ली तो अब वो प्रेशर जो बना हुआ था वो ख़त्म हो गया, उसी को कह रहे हैं एयर प्रेशर ड्रॉप्स, ख़त्म हो गया। जैसे इनहेलेशन होगा वैसे ही ड्रॉप, जैसे एक्सहेलेशन करोगे तो आपका प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सांस छोड़ोगे, सांस छोड़ने के बाद पॉज पे जाओगे, जैसे मैंने सांस छोड़ दी अब मैं रुक गया, अब प्रेशर बनना शुरू हो गया, आवाज़ निकलनी बंद हो गई, प्रेशर बनना शुरू हो गया, प्रेशर इंक्रीज। जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो प्रेशर हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। पॉज में प्रेशर बनेगा तो हमारा सांस फिर वापस अंदर आएगी, जैसे ही सांस आएगी तो प्रेशर हमारा ड्रॉप, ठीक है भाई सर जी। अगर पॉज नहीं होगा तो आप अंदर सांस खींच नहीं पाओगे, जब तक प्रेशर बनेगा नहीं। एक जगह प्रेशर गैसेस एक्सचेंज का फॉर्मूला है, क्या डिफ्यूजन कहते हैं उसको, जहां कम मात्रा में है वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जब आप ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा वाले जगह पर ज़्यादा चली जाती है गैस, आप इस कोने पे सेंट छोड़ो राइट, उस कॉर्नर पे नहीं पहुँची है नहीं वहाँ पर, लेकिन 10 मिनट के बाद वहाँ भी पहुँचनी शुरू होगी, वहाँ भी चली जाएगी, वहाँ भी खुशबू आने लगी, कैसे, पहले वहाँ प्रेशर ज़्यादा था उस खुशबू का, फिर वो धीरे धीरे डिफ्यूजन होते होते जहाँ कम था वहाँ होता गया, पूरा होता गया, अंदर होता गया, अंदर होता गया, और इन्हें एक सेम वॉल्यूम का होगा, पहले वहाँ ज़्यादा था राइट। अगर हमारी बॉडी में इसी तरीके से अगर बॉडी में प्रेशर नहीं बनेगा तो हम अंदर सांस लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे, सांस लेने की प्रक्रिया हम तभी शुरू कर पाएंगे जब हमारा प्रेशर जो है बहुत अंदर हो गया होगा, उसके लिए ज़रूरी है पॉज होना। अच्छा, पॉज होना ज़रूरी है तो अगर आप ये सोच सोच के पॉज लोगे तो दिल का धड़क आओगे, और अगर किसी के लिए दिल नहीं धड़ा तो फायदा क्या होगा। जी हाँ, उसमें भी होता है, उसमें जो है वो कुछ और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ हमारी रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, लंबे लंबे सांस ले नहीं रहे हो, उसमें जो है वो लंबे लंबे सांसों से एयर जा नहीं रही है, ये तो रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे, अभी आप जितना ले रहे हो उतना जा रही है, वो उनकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी बॉडी उनकी रिक्वायरमेंट है और जितनी चाहिए हवा उतनी वो पहुंच नहीं पा रही और एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ता है, उनकी अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उसको कहते हैं एस्मा, एस्मा कहते हैं उसको, ASPHMA आमतौर से जनमानस उसको जो है वो एस्मा बोलते हैं, था साइलेंट होता है, एस्मा क्या बोलते हैं, एस्मा बोलो, एक बार बोलो, घर जाओगे और ये बोलोगे एस्मा, घर वाले कहेंगे बड़े पढ़े लिखे आ गई है, बोलते अस्थमा कहते हैं, ये भी भूल गई, अलीगढ़ जाके ये भी भूल गई। ओके फाइन, तो ये रेस्पिरेटरी पॉज नहीं होगा तो इनहेलेशन नहीं होगा, इम्पोर्टेंस है पॉज की। अगर यहाँ पे एक्सहेलेशन के बाद पॉज नहीं होगा तो इनहेलेशन नहीं हो सकता, ये बात समझ में आ गई राइट। इनहेलेशन के बाद पॉज क्यों है, अरे बाबा ये पॉज नहीं होगा तो अंदर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, गैसियस एक्सचेंज को भी तो टाइम चाहिए है, जिस समय आपने लिया उसी समय बाहर भी निकाल दिया, ओके फाइन, अभी अंदर गया और अभी ऑक्सीजन सेट भी नहीं जो गई है, अभी भाई एयर गई है, आप सोचो जरा कितना लंबा प्रोसेस है, यानी एयर गई, खून से मिली, ऑक्सीजन बाहर निकली, ब्लड के एक पार्ट हीमोग्लोबिन ने उसको कैच किया, फिर वो हार्ट में गई, ठीक है ना, लंबा प्रोसेस है ना, किस लंबे प्रोसेस के लिए कुछ तो समय चाहिए होगा ना थोड़ा सा। अच्छा,
वो पॉज देगा, वो दे रहा है पॉज। अगर ये पॉज ना हो, ऑक्सीजन आई फटाक से आपने छोड़ दी, तो सारी ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगी। इंट्रैक्शन कब होगा, गैसियस एक्सचेंज कब होगा, तो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर हो जाए उसके लिए पॉज है इंस्पिरेशन इनहिलेशन के बाद। जब तक ये पॉज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ही ये जब तक इनहिलेशन के बाद ये पॉज हो रहा होगा, इनहिलेशन के बाद पॉज हो रहा होगा तो ये प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा, तो आप छोड़ोगे सांस। जैसे ही सांस छोड़ोगे तो ये प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, जैसे ही कम होगा प्रेशर लेना शुरू कर दोगे। तो इनहेलेशन के बाद के पॉज का काम कुछ और है और एक्सहेलेशन के पॉज का काम कुछ और है, लेकिन दोनों जगहों पे आपको पॉज नेचुरली दिया गया है, ऊपर वाले ने बना के भेजा है आपके सॉफ्टवेयर। बट सर ये मैं पता नहीं चलता ना, ये हमारे साथ हो रहा है, पॉज हो रहा है। आपको तो ये भी नहीं पता चलता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी भूत है, आपका एक्सपिरेटरी सिस्टम भी भूत है, नर्वस सिस्टम भी भूत है, सब कुछ तो भूत है। बोले आप वर्तमान में ठीक है नहीं, यहाँ बात समझ में है। ऑर्गन्स के बारे में बात करें, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, देख रहे हैं, नेजल कैविटी कहते हैं नोज को, नोज आई की बात में तो और एक एक चीज डील में करेंगे। देन हमारे पास है फेरिंग्स, इस वाले पोर्शन को लीजिएगा बस। देन लैरिंग्स, दिस लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स जहां से आवाज उत्पन्न होती है, आवाज पैदा होती है, जिसको हम कंठ बोलते हैं, इसको स्वर कंठ भी है, ठीक है। देन ट्रेकिया है जहां हवा जा रही है। देन उसके बाद हमारे ये लंग्स हैं जहां चली गई, ये ट्रेकिया हमारी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक इधर ये प्राइमरी और एक इधर है। फिर ये एक जो है वो अलग अलग लंग्स जो है वो फेस अलग अलग ऐसे हिस्सों में बटे हुए हैं, उनको अलग अलग तरीके से कहते हैं। देन ये हमारी दोनों फेफड़ों के नीचे एक बहुत पतली सी एक लेयर होती है मसल्स की, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम क्या, डायफ्राम जी साइलेंट है, जैसे एस्मा में टी एच साइलेंट है, जैसे नाइफ में के साइलेंट है ना साइलेंट, ऐसे ही डायफ्राम में जी साइलेंट है, डायफ्राम फ्राम जी लिखो चाहे मत लिखो, स्पेलिंग बोलो चाहे मत बोलो, नहीं बोलना नहीं, बोलना नहीं, फ्यूमर से नहीं है ना। अंदर का पार्ट हमारा लंग्स का जो है वो फिर कुछ इस तरीके का है, ठीक, बहुत छोटा छोटा बहुत छोटा सा एक हिस्सा निकाला, उसको बाहर किया, राइट। तो हमारा जो है वो ये एल्वियोलाई कहलाते हैं, एल्वियोलस एक होगा तो एल्वियोलस, सिंगुलर इज एल्वियोलस, लिख लो सिंगुलर एक वचन एल्वियोलस, ए एल वी ई ओ एल यू एस, ए एल वी ई ओ एल यू एस, एल्वियोलस एल्वियोलस सिंगल सिंगुलर एक वचन, इसका बहुवचन है एल्वियोलाई, लस की बजाय आई लगा दिएगा, अस की बजाय आई, ये एक इधर बाहर निकाल है, ये बहुत सारे हैं तो ये एल्वियोलाई होंगे, ये जैसे है ये तो एल्वियोलाई है, बहुत सारे हैं, इसमें का एक इन्होंने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, इसलिए ये एल्वियोलस हो गया, एल्वियोलाई बहुत सारे,
जिया मौसा एक से ज़्यादा ये एल्वियोलाई है, ठीक है। इसमें से एक बाहर निकाला है तो ये एल्वियोलस हो गया, ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताओ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बहुवचन है या एक वचन है? बहुवचन सोचने से वो नहीं होता, पता है बहुवचन सही वचन क्या है? अगर ये बहुवचन बैक्टीरिया होता है सर, उसमें बहुत सारे आ गए, अगर उसमें एक आता है मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं सर जो वर्ड सर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है, लेकिन वो होता है एक ही। अगर मैं कहूँ तो वैसे ये एक वचन में भी है, अगर और वैसे आता तो एक वचन में ही है, मैं मुझसे नहीं गया था सर वो वचन, सॉरी अभी मैं उसको भूल जाऊँ। वैसे अगर देखा जाए मतलब बोलने के पर्पज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक्चुअल में है एक वचन भैया। आपने कहा तो बहुवचन के लिए, मैं कहता हूँ तो इसका एक वचन क्या होगा सिंगुलर इसका? बैक्टीरिया ही होगा, बैक्टीरिया ही होगा पक्का। वैसे नहीं मेरे वाले में 100 रुपये देता बिना नेट इस्तेमाल किया। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम इज दी एक वचन, बैक्टीरियम, ठीक है। तो ऐसे ही एल्वियोलाई, एल्वियोलाई प्लूरल, एल्वियोलस सिंगुलर, ठीक है। चलिए कल हम लोग जो है वो हेड नोज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ये हम लोग कल बात करेंगे, ठीक। तो सवाल आपने जो है लैरिंग्स हो गया, वॉइस लैरिंग्स एक ये फूड पाइप है, एक पाइप है राइट, ये हमारा ऐसे सेटअप है, इसी के साथ में एक और सेटअप है, ये दो पाइप्स ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों पाइप गर्दन पे ऐसे करके लगे हुए हैं, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक पाइप ये दूसरा पाइप राइट, ये पाइप पीछे वाला पाइप फेरिंग्स, आगे वाला पाइप लैरिंग्स, ठीक है। इसी लैरिंग्स से आगे चल के बनेगा ट्रैकिया, इसी से आगे चल के बनेगा ट्रैकिया। ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स पीछे वाला राइट, ये फेरिंग्स इज ए फूड पाइप, आप मुंह से खाना लेते हो फेरिंग्स में जाता है, ठीक है, फूड पाइप में जाता है और स्टोमक में चला जाता है। आप मुंह से सांस लेते हो, सांस भी तो लेते हो ना मुंह से, सांस लेते हो मुंह से तो वो आपके लैरिंग्स में जाता है और लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया में चला जाता है, ठीक है, ओके फाइन। अभी आप देखो तो फेरिंग्स आपका जो है वो फूड पाइप है, फेरिंग्स फूड पाइप है, और लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स है, और लैरिंग्स के ही नीचे एक और पाइप लटका हुआ है, उसी की वेंटिलेशन में वो ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप कहते हैं, और ये लंग्स में लगा हुआ है, ठीक है। इन दो पाइप्स के बीच में एक फ्लैप लगा हुआ है, ऐसे करना है, दो पाइप्स हैं, इन दो पाइप्स के बीच में एक फ्लैप लगा हुआ है। आप जिस टाइम खाना खाते हो ये इसको ढक देते हो,
लैरिंग्स को, ट्रैकिया को ढक देता है, नहीं तो खाने के पार्ट इसमें भी चले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं फंदा लग गया, खाते में फंदा लग गया सर, राइट। तो वो लैरिंग से जा चला गया, सॉरी एपी, इसे बोलते हैं ये जो कवर होता है इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ये जा चला जाता है, राइट। जैसे ही आप हवा लेते हो ये उड़ करके ऐसा चला जाता है, ये एक मसल होती है जो ऐसा काम करती है, ठीक है नहीं, डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, राइट। कुछ लोगों के अंदर ये जो फ्लैप है, ये जो ढक्कन है, राइट, ये ढक्कन जो है वो मसल कमज़ोर हो जाती है किसी वजह से, या सोते पे कहीं एंगल ऐसा टेढ़ा पड़ जाता है जिसकी वजह से वो फड़फड़ाने लगता है, आपने सांस ली ऐसा हिलना है वो, जिसको हम फर्राटे बोलते हैं, राइट। ये फेरिंग्स हमारा फूड पाइप है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स के जस्ट नीचे ट्रैकिया है, लैरिंग्स और ट्रैकिया आपस में जुड़े हुए हैं, क्यों, लैरिंग्स और ट्रैकिया आपस में जुड़े हुए हैं, लैरिंग्स और फूड पाइप आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि आपको बोलना है ना, किससे बोलना है, खाने की उससे बोलना है उपस्थिति में, या हवा की उपस्थिति में बोलना है, हवा से बोलना है, तो हवा तो आपकी जो बाहर निकलेगी वो ट्रैकिया से बाहर निकलेगी ना, इसलिए वॉइस बॉक्स आपका ट्रैकिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो।